तो हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल SDP टेक पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है कि जो 59 चाइनीज ऐप है वो बैन लगाया गया है। तो गाइस, इसका पीछे जो रीजन बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो आप लोग देख सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट की मतलब IT सेक्टर की जो चीफ है गाइस, उसने यहाँ पे मिनिस्टर जो है रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे ट्वीट किया है और बताया गया है कि ये आपका डाटा जो है मोबाइल से चोरी या फिर डाटा जो है लीक करता है और सीधे चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ पे चला जाता है। तो गाइज, ये तो एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे भी, मतलब आपका प्राइवेसी या फिर कोई देश के लिए भी बहुत ज्यादा खतरे हो सकते हैं। तो गाइज, इसी के लिए ये जो चाइनीज ऐप है, 59 चाइनीज ऐप है, इसे बैन किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि गाइज, सबको पता भी है गाइज, जो 59 ऐप है उसमें टॉप में यार टिकटॉक है यार। तो आप लोग भी बताना यार, आप लोगों को कितना ज्यादा खुशी हुई है टिकटॉक बैन होने पर। तो मुझे तो भाई बहुत खुशी हुई है, इतनी ज्यादा खुशी हुई है भाई, बहुत बहुत खुशी हुई है यार, लोग देख ही सकते हो मेरा खुशी। तो गाइज, आप आते हैं पॉइंट पे। गाइज, रिसेंटली जो पबजी है यार, मतलब ये 29 जून जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिलीज किया, उसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहा है फेसबुक व्हाट्सएप पर। मैं भी देख रहा हूँ कि पबजी बैन होना चाहिए क्या, मतलब पबजी तो एक चाइनीज ऐप है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि भाई पबजी चाइनीज ऐप है क्या, मतलब इस वीडियो में पूरा डिटेल्स उसी के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता देता है कि गाइज, मेरे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, तो जाओ यार पार्टिसिपेट कर लो और गिव अवे का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और साथ ही साथ बता देते हैं कि गाइज, यहाँ पे आप लोगों को कल मतलब 1 जुलाई को एक और पबजी बैन हो चुका है, इंडिया पे नहीं यार, पाकिस्तान पे बैन हो चुका है। तो गाइज, उसी पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, तो गाइज वीडियो पर बने रहो। यार रिसेंट पाकिस्तान पे एक बहुत ज्यादा मतलब जो पबजी बंद है उसके लिए तो बहुत ज्यादा बुरी बात आ गया है, मतलब कि जो पबजी है यार बैन हो चुका है, मतलब पता नहीं टेम्पोररी है या परमानेंट है, लेकिन रिसेंटली बैन कर चुका है गाइज पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं ये न्यूज़। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि रिसेंटली एक बच्चा ने सुइसाइड कर लिया है, सुइसाइड अटैम्प्ट कर लिया है गाइज, आप लोग देख सकते हो 24 जून को 16 ईयर का एक बच्चा है गाइज, वो सुसाइड कर लिया है। इसका सुसाइड का अटेम्प्ट का जो कारण दिखा रहा है, उसने मिशन को कंप्लीट नहीं किया था। ओके गाइज, तो यार इतने छोटी बात के लिए तो आप लोग देख सकते हो यार, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया यार, तो इसके भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होना चाहिए गाइज। तो आप लोगों को क्या लगता है यार, पबजी रिलेटेड मतलब यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इस बात पे आप लोगों को देखो यार, ये पाकिस्तान पे हुआ है, इंडिया पे भी हो सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है यार, हो सकता है, क्योंकि इंडिया पे बहुत सारे बच्चे बिलो 18 एज का बच्चा बहुत सारे पबजी एडिक्टेड हैं गाइज। तो आप लोग बताओ यार, इसमें से कैसे आप लोग निकल सकते हो। बिलो 18 बच्चे को पबजी नहीं खेलना चाहिए यार, और जो भी खेल रहा है उसकी पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए उसके बच्चे के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर एडिक्टेड ना हो जाए, और थोड़ी बहुत और भी अदर्स जो गेम है उसे भी खेलना चाहिए। इंडिया पे इस तरफ की घटना हो चुकी है और गाइज बैन अभी तक नहीं लगाया गया है इंडिया के द्वारा। तो गाइज, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। गाइज, जो चाइनीज ऐप है, तो रिसेंटली बहुत सारे चाइनीज ऐप को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है गाइज। तो क्यों बैन किया गया है, ये पहले बात आते हैं। तो गाइज, देख सकते हो आप लोग, इंडिया का जो IT सेक्टर के मिनिस्टर हैं गाइज, रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे ट्वीट किया है गाइज, ये जो आप लोग चाइनीज ऐप यूज़ करते हो, इसमें जो भी आपका जो फ़ोन में डाटा था या फिर फोटो, जो भी आपका डाटा सेव रहता है गाइज, पूरा लीक हो जाता है, और साथ ही साथ इसका जो फुल डिटेल्स हैं आपका फ़ोन का, वो चला जाता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास, मतलब चाइनीज ऐप के द्वारा। ये एक चाइनीज ऐप, ये मीडियम की तरह काम करता है गाइज, आप लोग समझ सकते हो। तो ये बहुत पूरी काम हो रहा था, तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है गाइज। और साथ ही साथ एक बता देते हैं कि गाइज, जो ये पबजी है, ये चाइनीज ऐप है क्या, तो इसी के रिलेटेड आज जो वीडियो है उसी के हम बात करेंगे। तो गाइज, अगर पबजी जब हम लोग गेम ओपन करते हैं ना, तो आप लोगों को गेम ओपन करने के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके गाइज, तो ये जो टेंसेंट लिखा हुआ, अब इसे देख के आप लोग सोचोगे कि यार टेंसेंट ही कंपनी है। तो गाइज, आप चाहो यार टेंसेंट देखे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये एक चाइनीज कंपनी है और बहुत बड़ा चाइनीज कंपनी है और बहुत पुराने भी है। तो गाइज, ये गेमिंग कंपनी है चाइनीज का, तो ये पबजी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हो गया यार ये तो चाइनीज गेम है। तो आपको बता देते हैं यार, नहीं, ये ऐसा कोई नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, टेंसेंट चाइनीज कंपनी है, लेकिन पबजी जो मेन सोर्सेस है, थोड़ी बहुत पीछे जाना होगा आप लोगों को उसके डिटेल्स जानने के लिए। पबजी गेम का डेवलपर या मैनेजमेंट जो होता है, उसके डिटेल्स जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत पीछे जाना होगा। ओके गाइस, तो देखो यार, पबजी PC जो था, ये आप लोगों को पबजी ओपन करने के बाद आपको दिखेगा पबजी कॉर्पोरेशन करके एक
नाम आएगा। ओके गाइज, ये 10 सेंट खोलने के बाद ही ओपन होता है। ओके गाइज, इस टाइप का दिखेगा आपको। तो गाइज, ये जो पबजी कॉरपोरेशन है, ये यही कंपनी पबजी पीसी को पहले बनाया था, मतलब डेवलपर जो है एक्चुअली पबजी पीसी का, तो यही है पबजी कॉरपोरेशन। ओके गाइज, ये है एक साउथ कोरियन कंपनी, उसका नाम जो है यार ब्लू होल करके नाम है, आप लोग देख सकते हो यार। ब्लू होल कंपनी ने पहले इसे डेवलप्ड किया है, जो साउथ कोरिया का एक कंपनी है, कोरियन कंपनी है साउथ कोरिया। गाइज, जब इस गेम को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलने लगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलने के बाद गाइज, टेंसेंट ब्लू होल मतलब ये साउथ कोरियन कंपनी के साथ मिलके पबजी मोबाइल को डेवलप किया। ओके गाइज, समझ रहे हो, उसके साथ में काम किया, लेकिन मेन जो पबजी पीसी था, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो गेम का एनिमेशन था, उसका जो फीचर्स था, पूरा टोटली मोबाइल पे कन्वर्ट किया गया है। टेंसेंट भी उसके साथ था। ओके गाइज, आप लोग समझ सकते हो, लेकिन टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है और इसका डिस्ट्रीब्यूटेड लेके मोनेटाइजेशन किया गया है। तो गाइज, इसके आधार पर बता सकते हो कि पबजी जो है एक तरह से चाइनीज कंपनी के बहुत ज़्यादा करीब है, जो टेंसेंट आप लोगों ने देखा यार। तो क्या यार ये चाइनीज ऐप हो गया? देखो यार, मेरे आदर से तो ये चाइनीज ऐप नहीं है, लेकिन ये आप चाइनीज थोड़ा बहुत में जो आप लोग गेम खेलते हो या फिर कुछ स्किन गान का स्किन ये खरीदते हो, तो थोड़ा बहुत पैसा तो भाई चाइनीज को जाता है। ये 100% चाइनीज ऐप नहीं है, मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने इसी के आधार पर ये बैन नहीं लगाया है। ओके गाइज, और गाइज देखो यार, पबजी का बहुत ज्यादा मतलब बैड एडिक्टेड भी बहुत सारे बंदे हैं यार, 18 बिलो 18 एज के जो बंदे हैं, सुसाइड कर लिया पाकिस्तान पे रिसेंटली, उस टाइप की घटना नहीं घटे तो भी अच्छा है यार। और जितने भी सारे बच्चा मतलब घर में खेलता है, आप लोगों को उसे भी अलर्ट कर देना यार, बिलो 18 एज से दूरी रखिए गेम को, और उसे एडिक्टेड मत होने देना। गेम खेलो यार, लेकिन एडिक्टेड मत हो यार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज, और भी न्यूज़ आते हैं तो गाइज मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू गाइज़।